नमस्कार। आज हम जो गेम देखने वाले हैं वो चेस 960 का एक गेम है। चेस 960 क्या होता है? ये एक नया फॉर्मेट है चेस में। जिन लोगों को पता नहीं है उसके लिए मैं एक लिंक डाल दूंगा जो कि chess960.net नाम से एक साइट है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कैसे उसको खेलते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। बट अगर मैं बहुत क्विकली आपको बता सकूँ तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पोजिशन में कि जो जो पॉन्स हैं वो सेम है जैसे चेस में नॉर्मली होते हैं, सिर्फ जो पीसेस की पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज है। तो उसमें एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट अभी स्टार्ट हुआ है। कल ही उसका फर्स्ट राउंड था, फर्स्ट डे था, जिसमें मैग्नस कार्लसन जो कि करंट वर्ल्ड चैंपियन है और गैरी कास्परोव जो कि मुझे लगता है चेस की दुनिया में जितने भी ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं उनमें से डेफिनेटली वो एक प्लेयर है। तो इन दोनों के बीच एक मुकाबला हुआ और बहुत ही बढ़िया तरीके से दोनों ने उस गेम को खेला था। तो अगर हम बेसिक रूल्स की बात करें तो आप पोजिशंस देख सकते हैं। जो बेसिक रूल्स हैं वो यही है कि किंग जो है वो हमेशा अगर कहीं पे भी हो तो कैसलिंग दोनों साइड में हो सकती है। उसके लिए थोड़े से रूल्स जो है वो आपको देखने पड़ेंगे। बट अगर बाकी नॉर्मल बात करें तो बिशप जो है वो दोनों अलग अलग कलर में होने चाहिए हमेशा, और ऐसे 960 पोजिशंस मैक्सिमम हो सकते हैं, इसीलिए उसको चेस 960 बोलते हैं। कुछ लोग उसको फिशर रैंडम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सबको पता है कि बॉबी फिशर ने ये पहले रिकमेंड किया था। इस टाइप का एक चेस जो है उसको भी आगे फॉलो होना चाहिए ताकि जो ओपनिंग्स का जो एनालिसिस होम प्रिपरेशन होती है वो थोड़ी सी अवॉइड हो जाए और उसको हम आगे खेल सकें। हालांकि इस टूर्नामेंट के लिए उन्होंने जो ऑफिशियल नाम रखा है दैट इज चेस 9 LX। अब अगर आप रोमन इसकी बात करेंगे तो डेफिनेटली उसमें एल और एक्स जो है वो 6 और 0 ही है। तो ले देके हम लोग बोल सकते हैं कि 960 नाम से ही ज्यादातर पॉपुलर है। सो फाइनली हम स्टार्ट करने वाले गेम अभी, और देखते हैं कि इसमें क्या एक ऐसा सिचुएशन आया था जहाँ पे एक्चुअली लास्ट में मैग्नस को एंड गेम में थोड़ा सा चांस था, बट समहाउ कास्परोव ने वो सरवाइव कर गए वहां से। सो हम लोग क्विकली गेम की तरफ जाते हैं। यहाँ से D4, यहाँ पे बहुत मैंने जितने भी गेम्स देखे हैं 960 के, ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी बिशप पहले मूव में ओपन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें D5 सेम उन्होंने रिएक्शन दिया है। E3, Nxf6, Nxf3 एंड देन E6। सो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि अगर आपको वो सिचुएशन फैमिलियर नहीं है, आप न्यू हो उसके लिए, जो कि ज्यादातर चेस 960 प्लेयर्स के लिए होता है, तो आप सिमेट्रिकल अगर वे में भी डिफेंड करते हो इनिशियल दो कुछ मूव्स के लिए तो वो एक ठीक बात है। C4, A6, Nxc3, Dxc4। अगर हम देखें, अगर हम पीसेस की बात नहीं करें तो जो पॉन स्ट्रक्चर है वो क्वींस गैम्बिट के हिसाब से चल रहा है पूरा, और अगर एक बार कैसलिंग हो जाती है मुझे लगता है उसके बाद वो पोजीशन नॉर्मली एक मिडल गेम के जैसे पोजीशन में आ जाती है। सो यहाँ पे बिशप इंटू C4 मारा, C5, Dxc4, बिशप इंटू C5 टेक्स टेक्स। और अभी अगर हम देखें तो ये एक्चुअली में जो है वो क्वींस गैम्बिट का ही पोजीशन था या फिर सेमी ताराश का पोजीशन था, जहाँ पे आपको लगेगा कि किंग का पोजीशन दोनों का बहुत ऑड है। लेकिन क्योंकि अभी किंग इंटू D8 मारा है तो उनका तो कैसलिंग का बिल्कुल भी अभी चांस नहीं है, लेकिन हाँ व्हाइट अभी भी कैसल कर सकता है, जिसमें अगर व्हाइट कैसल करेगा तो वो अपने नेचुरल स्क्वायर पे जा सकता है G1 पे और रुक को स्प्लिट कर सकता है F1 पे। यही एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूल है नॉर्मली 960 में। सो यहाँ पे BD3 खेला, किंग टू E7 कैसल। अभी आप देखिए नॉर्मली इस पोजीशन में किंग ऑलरेडी उसी स्क्वायर पे था जो कि अगर हम नॉर्मल चेस में अगर हम कैसलिंग करते तो जहां पर वो आ सकता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ रुक को स्प्लिट कर दिया। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है बाकी नॉर्मल फॉर्मेट में, लेकिन क्योंकि किंग जो है वो ऑलरेडी C1 पे था तो अब इसको चलने की तो जगह नहीं है, तो दैट मीन्स कि उन्होंने यहाँ पे कैसलिंग किया है, लॉन्ग कैसलिंग। सो लॉन्ग कैसल किया यहाँ पे Nxc6, Nxg5। अब कोशिश जो है मुझे लगता है व्हाइट की है कि Nxg5, Nxe4 आके इन दो में से एक नाइट यहाँ एक्सचेंज कर लें और फिर C5 को अटैक दिए, राइट। तो Rd8 खेला यहाँ पे, Nxe4, Ne4, Nxe4, Bc6। अब यहाँ पर एक अच्छी बात है कि बिशप B4 चेक नहीं आ सकता है क्योंकि नाइट जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन अभी भी दोनों के रुक जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं हुए। भले ही क्वीन एक्सचेंज हो चुके हैं लेकिन दोनों के रुक कनेक्ट नहीं हुए अभी तक। तो अगर हम उनको कनेक्ट करना है हमको तो डेफिनेटली ब्लैक को बिशप D7 खेलना पड़ेगा या फिर वो F6, बिशप G6 ऐसा भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे बिशप C3 खेला, F6, G4।
ये एक अच्छा ट्राई है, बिकॉज नेचुरली अगर आपका बिशप C3 पे पड़ा हुआ है तो इस पूरे डायगोनल पे आपको कोशिश करनी चाहिए कि अटैक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर व्हाइट को एक ठीक ठाक पोजीशन मिल गई थी इसमें, और मैग्नस कार्लसन जो कि करंट वर्ल्ड चैंपियन है उनके अगेंस्ट भी कस्परो का इतने टाइम बाद खेलने का, मुझे लगता है बहुत साल 15-16 साल बाद उनका फिर से गेम हुआ है ऑन द बोर्ड। सो यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा कुछ लीड मिली नहीं है, लेकिन हम मैग्नस कार्लसन को हम लोग सभी जानते हैं कि वो एंड गेम में बहुत ही बढ़िया चेस खेलते हैं, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने बिशप A5 खेला और उन्होंने देखा कि ये बिशप बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें तो व्हाइट का बहुत अच्छा पीस है ये, तो इसको एक्सचेंज करना अच्छी बात है, और उनका खुद का बिशप जो है वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं रहा था इस डायगोनल पे। सो बिशप A5 खेला, बिशप इनटू A5, नाइट इनटू A5, बिशप C2। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो मुझे लगता है जब स्टार्टिंग में जब मैग्नस कार्लसन बहुत यंग थे और उनको किसी ने अगर बहुत बड़े प्लेयर ने हेल्प किया था तो वो डेफिनेटली गैरी कास्परोव ही थे। और हमको ये सोचना पड़ेगा कि जो नए प्लेयर्स आते हैं जैसे कि अभी राइट नाउ अलीरेज़ा फ़िरोज़ है, अगर उनको किसी पुराने एक्सपीरियंस प्लेयर से जो कि वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर रह चुका है उनकी तरफ से अगर कुछ टिप्स मिल जाते हैं, कुछ हेल्प मिल जाती है कुछ टाइम के लिए भी, 6 months 1 year, मुझे लगता है कस्परो की तरफ से जो मैग्नस कार्लसन को टाइम पे जो हेल्प मिली थी या फिर उनके साथ उन्होंने कुछ कुछ टाइम जो वर्कआउट किया था वो उनके लिए बहुत क्रूशियल रहा था, और उसके बाद तो वो बहुत ही एकदम स्ट्रांग बन गए थे। सो अगर हम बात करें तो इस टूर्नामेंट का ये सबसे बड़ा गेम था जो कि कस्परो और मैग्नस कार्लसन के बीच हुआ था। सो ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो हम देख सकते हैं कि बहुत उनका बहुत इम्पोर्टेंस होता है। कल मैं देख रहा था कि बहुत लोग सोशल मीडिया पे भी इसके बारे में पोस्ट कर रहे थे, क्योंकि बहुत इवन मैग्नस कार्लसन ने खुद भी पोस्ट किया था इस गेम के बारे में। जनरली ऐसा होता नहीं है कि मैग्नस कार्लसन कोई एक गेम के बारे में पोस्ट कर दें। सो वो भी सिर्फ खेलने को लेकर, रिजल्ट की बात ही नहीं थी, राइट। तो हम लोग क्विकली गेम की तरफ जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही उन्होंने बिशप इनटू C2, बिशप C2 खेला, बिशप C6, इस पूरे डायगोनल में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो ऑब्वियसली रुक G1 G5 एक ऑप्शन हो सकता है। रुक G1 खेला यहाँ पे, नाइट C4, रुक टेक्स रुक, रुक टेक्स रुक एंड G5। या जहां तक हो सके व्हाइट ये कोशिश कर रहा है कि जैसे कि अभी F5 खेलोंगे तो उसके बाद एक अच्छी बात होंगी कि सभी पॉन्स जो है वो लाइट कलर में है। यहाँ पे आप देखिए सब सिर्फ एक G7 का पॉन है जो डार्क में है, तो जिस कलर का बिशप है आपके पास वो एक अच्छी बात है कि अपोनेंट के पॉन उसी कलर में है, और उससे फायदा ये होगा कि आपके पॉन्स डार्क कलर में है तो आप उनको अटैक नहीं कर पाओगे, राइट। यानी अपोनेंट जो है ब्लैक वो अटैक नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पर G5 खेला, हालांकि यहाँ पे एक अच्छा मूव था उनके पास कि डायरेक्टली रुक G3 जाते हो, क्योंकि रुक G3 में उनके पास और ऑप्शन था कि सपोज H6 जाते हैं तो H4, और फिर आप G5 के लिए हमेशा जा ही सकते हो, क्योंकि रुक G3 में फिलहाल कोई प्रॉब्लम भी नहीं था उनको, और हो सकता है कि वो रुक H3 भी एक मूव आ सकते हैं। तो H4 में भी रुक C8 एंड नाइट P, तो ये एक पोजिशन थी जो एक्चुअली वो खेल सकते थे, लेकिन G5 उतना भी शायद बुरा नहीं था। सो यहाँ पे F5 खेला, नाइट टू C3, नाइट E5 F4, और यहाँ पे आप देखिए उनका जो पॉन चेन है या जो पॉन्स जो जिस स्क्वायर में या जिस कलर में रखना है उनके लिए उनकी समझ देखिए कि कैसे वो सभी पॉन डार्क में मेंटेन करते जा रहे हैं। भले E3 वीक है लेकिन आप बिशप कुछ नहीं कर पाएंगे अपोनेंट का, राइट। सो नाइट F3 खेला यहाँ पे, ये एक रिस्की मूव थी बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि नाइट जो है वो फंस जाएगा उधर उसमें, और आप वैसे भी आप अगर हम रुक G3 वगैरह खेलते हैं तो H2 नहीं मार सकते आप, बिकॉज रुक H3 आके H7 मुझे मिल ही रहा है। तो यहाँ पे रुक G2 खेला उन्होंने, G6 रुक F2। अभी यहाँ पे एक बात नोटिस करनी पड़ेगी कि फिलहाल कोई थ्रेट नहीं है उसको, राइट। मतलब इस नाइट को कोई थ्रेट नहीं है, बिशप इज ऑलरेडी प्रोटेक्टिंग दैट नाइट ऑन F3, लेकिन उनका आइडिया जो है वो ये है कि F4 खेलने वाले हो और उसका जो कनेक्शन है वो तोड़ने वाले। तो E5 खेला, E4 ये एक्सपेक्टेड था डेफिनेटली, पॉन इंटू पॉन, नाइट इंटू E4, और यहाँ पर एक अच्छी बात हो सकती थी, ऑब्वियसली आप इसको मारोगे नहीं बिकॉज अगर आप मारते हो तो बिशप इंटू E4 और फिर B7 और F3 पे अटैक है, तो एक अच्छा पोजीशन हो जाता वाइट के लिए। तो नाइट D4 खेला उन्होंने यहाँ पे, नाइट इंटू E4 के बाद नाइट G3, नाइट इंटू बिशप, किंग टेक्स बिशप।
अब देखा जाए तो अगर यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है एफ और ई पॉन, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा किसी भी साइड के लिए फिलहाल। और ब्लैक, अभी मुझे लगता है कि ब्लैक जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड गेम में, बिकॉज सडनली जो जो अगर ये पॉन एक्सचेंज होते हैं तो G5 वीक हो जाएगा, और उनके पॉन्स बहुत अच्छी जगह पे हैं, राइट। स्पेशली बिशप बहुत सही पड़ा हुआ है, और नाइट जो है वो बहुत अच्छी जगह पे नहीं आ पा रहा है बहुत जल्दी से। उनको रिग्रुप करना पड़ेगा, बहुत सारे मूव लगेंगे उसमें। तो यहाँ पे रुक एफ एट खेला, जो वीकनेस है उसको पकड़ा। ऑब्वियसली आप ये नहीं मार सकते हो बिकॉज रुक इन टू एफ टू आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे नाइट ई टू खेला, उस पॉन को प्रोटेक्ट किया। किंग टू ई सिक्स, किंग डी टू। ऑब्वियसली व्हाइट का आइडिया है कि किंग ई थ्री आके इसको प्रोटेक्ट करें और फिर पॉन इन टू पॉन मार दें। यहाँ पर बिशप बी फाइव खेला मैग्नस कार्लसन ने। ऑब्वियसली उनका आइडिया सिंपल है, बिशप इन टू ई टू, किंग इन टू ई टू, और फिर पॉन टेक्स पॉन या फिर रुक टेक्स मार के दोनों में ही वो बेटर आ रहे थे, और ये बहुत ही अच्छा पोजीशन आ गया था एक्चुअली उनको कस्परो के अगेंस्ट, राइट। यहाँ पर उन्होंने रुक एफ थ्री खेला, और 31 मूव के बाद जब अच्छा खासा टाइम भी था मैग्नस कार्लसन के बाद, पता नहीं क्या हुआ उनको कि यहाँ पे जो उनका एडवांटेज था वो सडनली चला गया, और उन्होंने एक मिस्टेक कर दिया, उन्होंने खेला रुक F7। हालांकि मैं चाहूंगा कि आप रुक के थोड़ा चेक कर सकते हो इस पोजीशन में कि क्या एग्जैक्टली हो रहा था और क्या विनिंग चांस था उनके पास, क्योंकि यही एक मोमेंट था जब उन्होंने मिस कर दिया था, हालांकि उनके पास टाइम भी था गेम में, राइट। रुक F3 के बाद अगर हम चेक करें तो सबसे इजिएस्ट जो वेरिएशन था दैट इज बिशप इंटू ई टू, किंग इंटू ई टू, और फिर आप इस पोजिशन में जा सकते हो, जो कि शायद एक एंडिंग बहुत ही अच्छी पोजिशन में आ सकते थे मैग्नस कार्लसन। लेकिन यहाँ पे रुक F7 खेला, रुक E3, एंड देन फाइनली आप देखिए कि पॉन जो है वो मर रहा है, तो बिशप इन टू ई टू अगर आप मारोगे इसमें तो रुक E5 चेक आ रहा है, यहाँ पे जो है दिक्कत आ गई, क्योंकि बाकी सब वेरिएशन में जब आप रुक E2 मारोगे तो रुक F4 आ रहा था और वो बहुत अच्छी पोजिशन थी, राइट। लेकिन रुक इन टू E5 एक इंटरमीडिएट चेक आ गया, और उसके बाद जैसे आप किंग D6 खेलोगे, रुक इन टू पॉन, रुक इन टू बिशप, रुक इन टू पॉन, एंड देन किंग E3। अब ये पोजीशन जो है ये मुझे लगता है कि कस्परो डेफिनेटली डिफेंड कर लेंगे, भले ही इसमें G5 थोड़ा वीक है लेकिन उतना प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज नॉर्मली रुक एंड गेम्स में अगर आप पॉन डाउन भी होते हो तो बहुत चांसेस होते हैं कि आप उसको बचा लो। यहाँ पे किंग E3 खेला, यहाँ पे एक्चुअली किंग C3 भी एक ऑप्शन था, जो कि यहाँ से किंग D2 से, जिसमें आप किंग C3 भी जा सकते थे बिकॉज वो भी शायद होल्ड हो ही जाती, लेकिन किंग E3 खेला उन्होंने यहाँ पे। किंग E3 के बाद यहाँ पे रुक G4 आए, अभी G5 मर रहा है, रुक D2 इंटू E6, रुक C2। अब यहाँ पे कस्परो ने ये जो चेक दिया था उनका एक ही एम था कि रुक मैं C7 आऊँ जब भी वो G5 मारेंगे, तो यहाँ पर उन्होंने रुक C7 खेला, रुक टू B5, अब B2 जो है वो मर रहा है, और H7 को आप मार सकते हो इधर, तो रुक इंटू H7 मारा, रुक इंटू B2 एंड A4। अब कस्परो का एक सिंपल सा प्लान है कि इन दोनों पॉन को एक्सचेंज कर लो, और अगर इन 2 वर्सेस 1 में से एक पॉन एक्सचेंज हो जाती है तो डेफिनेटली किंग को यहाँ रख के इस जोन में आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, नॉट ऑन D3, यहाँ तक आप कहीं भी मेंटेन कर लो, इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो, राइट। यहाँ पे A5 खेला मैग्नस कार्लसन ने, H4। यहाँ पर फिलहाल अगर हम देखें तो उनके पास ऑप्शन ये भी था कि किंग F4 जाओ, लेकिन जनरली ऐसे पोजिशंस में एक डर होता है कि अगर कभी ऐसा हो गया कि आपका G6 मर रहा है और उनका A4, तो 2 वर्सेस 1 नॉर्मली हार सकते हो आप इसमें, राइट। उन्होंने H4 खेला, जैसे कि हमने देखा था कि उनका मेन एम है कि ये दोनों एक्सचेंज हो जाए, क्योंकि पॉन्स जितने एक्सचेंज होंगे उतना ईजी होगा उनको ड्रॉ करने के लिए। तो रुक B4 खेला यहाँ पे, रुक H6 इंटू F7, H5। फाइनली इसमें जो है एक्सचेंज करना अभी एक चांस क्लियर कट हो सकता है, बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा देर इसको मेंटेन करोगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। पॉन टेक्स पॉन मारा, रुक इन टू, एंड देन फाइनली यहाँ पे जो है B6 खेल दिया, बिकॉज आप रुक इन टू तो नहीं मार सकते हो इसको, बिकॉज रुक H7 और रुक B7 मर रहा है, और डेफिनेटली आपका किंग बहुत पास है इस पॉन के, तो वो आराम से ड्रॉ हो जाएंगे। तो यहाँ पे B6 खेला, रुक टू E5, किंग को कट ऑफ करना बहुत जरूरी है, ये रुक एंडिंग का एक बहुत अच्छा आइडिया होता है, हमेशा ओपोनेंट के किंग को कट ऑफ करके रहो जहां पे भी, क्योंकि बैटल ग्राउंड इधर है, राइट। तो अब आपका किंग इजीली इधर आ सकता है, पर उसका अगर नहीं आ पा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। रुक E4 खेला, किंग पॉन एंडिंग भी शायद ये ड्रॉ ही है, बिकॉज अगर आप सपोज मारते हो इसको
उसके बाद भी ये पोजीशन जो है किंग इनटू ई फोर, किंग ई सिक्स, किंग डी फोर, डी सिक्स एंड देन अगर आप सी फोर जाते भी हो इसमें सी सिक्स तो भी वो ड्रॉ ही होने वाली है इसमें, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी राइट। सो अगर हम इसको क्विकली देखें सी फोर डी सिक्स एंड देन आई कैन प्ले दिस बिकॉज अभी आप बी फाइव खेलोगे तो ए पॉन कभी आपका क्वीन नहीं बनेगा, मैं किंग सी थ्री आ सकता हूँ आफ्टर किंग बी फाइव राइट। तो ये बहुत बहुत ही आसान सा था ड्रॉ, लेकिन यहाँ पे रुक बी थ्री खेला मैग्नस कार्लसन ने, किंग टू डी टू, किंग एफ फाइव, रुक टू एच फाइव, और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये पॉन जो है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। और जब भी आप रुक बी फोर खेलोगे डेफिनेटली अभी तो वो मार भी सकते हैं बट कुछ कंडीशंस में यू कैन प्ले दिस वॉच राइट। लेकिन यहाँ पे किंग ई फाइव खेला, किंग टू सी टू, रुक टू एफ थ्री, रुक टू एच सिक्स, अब बी सिक्स मर रहा है और अगर आप उसको एक्सचेंज करते हो तो टेक्स टेक्स एंड देन किंग डी थ्री, जैसे हमने देखा था कि किंग पॉन एंडिंग जो है वो आराम से ड्रॉ हो सकती है। किंग ई फाइव, किंग टू डी थ्री, यहाँ पे आप इधर जाने का एक ट्राई कर सकते हो लेकिन ये शायद रिस्की हो सकता था राइट, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो ऑब्वियसली ठीक है उसमें भी वैसे चांस नहीं है, किंग डी सिक्स आप आ ही सकते हो हमेशा और पॉन नहीं मर रहा एटलीस्ट यहाँ पे। लेकिन हाँ उन्होंने किंग ई थ्री खेला और आफ्टर किंग टू डी सिक्स, किंग टू डी फोर, और ये पोजीशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, किंग सी सिक्स, किंग सी फोर एंड आफ्टर बी फाइव, यहाँ पर उन्होंने ड्रॉ अग्री कर लिया था। तो ऑल एंड ऑल एक बहुत ही बढ़िया गेम हुआ था दोनों के बीच में, खासकर चेस 960 से स्टार्ट करके, मतलब एक नॉर्मल गेम नहीं था, पीसेस पीसेस का पोजीशन बहुत ही चेंज था स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बावजूद गैरी कास्परोव जो कि आज इतने मतलब उनकी इतनी उम्र हो चुकी है, इतना बड़ा गैप हो गया है चेस से, अपनी दूसरी दुनिया में वो बिजी हैं, तो जो उनके बावजूद भी मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड चैंपियन से ड्रॉ कर लेना, क्योंकि इसके पहले उन्होंने दो गेम जो दूसरे खेले हैं वो एक्चुअली उन्होंने जीत लिए थे मैग्नस कार्लसन ने, कल जो तीन गेम खेले उनमें से सिर्फ कास्परोव के साथ ही ड्रॉ हुआ, बाकी दो प्लेयर के साथ वो आराम से जीत गए जो कि एक्चुअली रेगुलर प्लेयर थे। उसके बावजूद कस्परो ने कल एक बहुत बढ़िया गेम खेला अलीरेजा फिरोजा के साथ, तो वो गेम भी वो जीत गए, ऑफकोर्स पीटर स्विडलर से वो हार गए थे, लेकिन जो फिरोजा को हराया उन्होंने एक्सटेंड डाउन में होते हुए भी, वो बहुत बढ़िया गेम था। तो वो डेफिनेटली मैं वो भी ट्राई करूंगा आपको बताने के लिए। तो अगर आपको भी लगता है कि इसमें और भी कुछ ऐड हो सकता था या आपको कुछ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू चेस 960, मुझे याद है मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था चेस 960 पर जो कि शायद एक स्मॉल सा ट्रैप है इसमें, बट हाँ डेफिनेटली आपको जो चेस 960.net पे जो चार्ट है वो आपको चेक करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूं। तो बहुत जल्दी मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी अच्छे अच्छे गेम्स हुए हैं, खासकर जब जब भी कस्परो खेलने आते हैं तो चेस वर्ल्ड में एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है हमेशा। मैंने देखा है कि इवन बड़े प्लेयर भी, इवन नाकामुरा भी उनके फैन है, तो बहुत बढ़िया है इस टूर्नामेंट में, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स और खेल रहे हैं। तो हम बहुत जल्दी मिलेंगे, थैंक यू, बाय।